नमस्कार दोस्तों, मैं परम कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल में। और दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैंगो लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन के बारे में। जी हां दोस्त, ये एक काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि यहां पे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, जैसे बीगो लाइव वगैरह से करते हैं। सेम वैसे यहाँ पर भी आप एक्टिविटीज कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर भी आपको आकर यहाँ पर भी ऑनलाइन अपनी जो भी टैलेंट है वो दिखाना है और बदले में आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, डायमंड्स के फॉर्म में, जिसको आप कैश आउट कर सकते हैं। अब क्या है सारा प्रोसेस, मतलब कि ये अब टैंगो एप्लीकेशन क्या है, कैसे यहाँ पे आईडी बनाना है, कैसे इसे पैसे कमाने हैं, और ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो प्लीज़ ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि आप स्किप कर देते हो वीडियो जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में, और स्किप में जो आप मतलब कि पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी आप स्किप कर जाते हो, बाद में वही आपके लिए एक डाउट बन जाता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में आके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप देख लेना कि यहाँ पे डेवलपर कॉन्टैक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी और एड्रेस वगैरह होना बहुत ज़रूरी होता है, कि ये ना हो कि आप एक कमाई के चक्कर में आप यूज़ करना शुरू कर दो लेकिन बाद में जो भी आपकी इनकम हो वो कैश आउट ही ना हो पाए, या फिर अगर डायमंड्स या कोइंस का चक्कर है और वो आपने परचेज़ कर लिया लेकिन आपके पास पैसे आपके कट जाएं और आपको डायमंड्स या बीन्स भी ना मिले, तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाते हैं, तो इसलिए ये सारा देख लेना चाहिए। उसके बाद देखिए कि जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें ये नियर बाई पे क्लिक रहेगा, और नियर बाई में जो भी बंदे आपके आसपास के हैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं उनका सारा प्रोफाइल रहेगा। आप यहाँ से जिसकी भी ब्रॉडकास्ट चाहें आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद से फिलहाल देखिए जिससे भी आपको चैट करना हो वो भी आप कर सकते हैं, और मतलब देखिए यहाँ पे कैसे है कि अगर आप इनको मैसेज करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ से आप लिख के उनको मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा मैसेज यहाँ पे गया। और अगर आप जैसे वो एक्टिविटी से उनके आप ज़्यादा खुश होते हैं तो ये देखिए आप इनको इमोजी वगैरह भी भेज सकते हैं, पर इमोजी जैसे ये 99 कॉइंस के हैं, ठीक है दोस्त। और इस तरीके से आप मतलब उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, अगर मतलब बहुत अच्छा प्रोफाइल लगता है तो। अगर आप इनको फ्रेंड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनके फ्रेंड ऐड कर सकते हैं, और इनका ब्रॉड आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर बहुत अच्छे लगते हैं आपको और आप चाहते हो कि इनका जो भी एक्टिविटी है वो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करना, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर इनका प्रोफाइल वगैरह देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इनका प्रोफाइल भी देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट कैसे सेट करना है। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोफाइल का आ जाएगा। आप यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर या फेसबुक अकाउंट, जीमेल अकाउंट कोई भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे आपकी आईडी बन जाएगी और आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ये इनिशियल स्टेज होता है, धीरे धीरे आपको गोल्ड की तरफ और वीआईपी की तरफ ये लाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको शेयर करके रेफरल लिंक के द्वारा बंदे को यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे, तो आपके पर रेफरल पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और उसके हिसाब से ही आप देखें कि यहाँ पे आप चाहें तो इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, वीआईपी परचेज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए गो वीआईपी और कितने का है, तो ये देखिए ब्रॉन्ज अगर आपको चाहिए तो 11,000 कॉइंस लगेंगे, यानी कि करीब करीब 9,000 रुपये। और अगर आपको गोल्ड परचेज़ करना है प्रीमियम वाला, तो उसके लिए 1,17,500 कॉइंस देने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से आप देख लें वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है दोस्त, करीब करीब 1,00,000 रुपए आपके लग जाएंगे। तो आप देख लें कि इतना पैसा आप इसमें लगाना चाहते हैं वीआईपी के चक्कर में या नहीं, ये तो आपकी मर्जी है, ठीक है दोस्त। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आप पर्सनल अकाउंट की सेटिंग में क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, जिसमें नाम अपनी फ़ोटो वगैरह चेंज करना हो तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी फ़ोटो आप चाहें तो ये देखिए गैलरी से या कैमरा से अपलोड कर सकते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। सबसे मेन ज़रूरी चीज़ की ये देखिए यहाँ पे प्राइवेसी की सेटिंग बनी हुई है, जिसमें आप जो चैट रिक्वेस्ट आ रहा है उसको आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, शो अप का जो सर्च है वो भी आप यहाँ पे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, वीआईपी लेवल शो करना है कि नहीं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ़। फिर यहाँ पे लोकेशन शो हो या ना हो ये भी आप देख सकते हैं, और लास्ट टाइम सीन यहाँ पे दिखे या ना दिखे वो भी। इसके अलावा आप अपने प्रोफाइल को हिडन भी कर सकते हैं, यानी कंप्लीट इनविजिबल यहाँ पे क्लिक करने से, ठीक है दोस्त। फिलहाल हम देख लेते हैं कि इसके अलावा ये देखिए कस्टमर सपोर्ट भी है कि अगर आपने वीआईपी परचेज़ किया मान लीजिए और आपके पैसे कट गए लेकिन आपके कॉइन्स नहीं मिले,
तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख के और इनको कंप्लेन कर सकते हैं और ये लोग शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर एप्लीकेशन में इस चीज़ का सपोर्ट रहता है तो। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए जो भी लोग मतलब अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें पॉपुलर न्यू और म्यूज़िक वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। मेन चीज़ होता है यहाँ नीचे पे, नीचे देखिए ये लोग लाइव वाले का ऑप्शन पे अभी हम हैं, यहाँ पे आ जाएगा जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो सबका डिटेल। यहाँ पे रहेगा जो मतलब यहाँ पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं इस एप्लीकेशन में, या फिर जो टॉप हैं या फिर जो न्यू हैं, उन सबका यहाँ पे शॉर्टकट बना रहेगा। इसके अलावा मैसेज का बॉक्स है, यानी कि जिससे भी आप चैट में मैसेज करो के रूप में बात करोगे या फिर एप्लीकेशन की तरफ से जो भी मैसेज आएंगे वो सभी यहाँ पे रहेंगे आपके पास, ठीक है दोस्त। और इसके अलावा ये देखिए एक और सेटिंग बना हुआ है जहाँ पे हम फाइंड और फ्रेंड कर सकते हैं। तो अगर किसी फ्रेंड को आपने सर्च करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके ढूंढ सकते हैं और ये नियर बाई वगैरह में सर्च करेगा। वैसे अगर कोई आपका खास फ्रेंड है जिसका यूज़र आईडी आपको पता है तो वो आप यहाँ पे लिख के सर्च में और यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं उनको, ठीक है। फिलहाल जैसे दो को हमने फॉलो किया तो वो यहाँ पे आ गए, और जो मेरा फ्रेंड लिस्ट है उसमें से कोई भी इस एप्लीकेशन को अभी यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए उनका प्रोफाइल यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो ये है कि मोटा मोटा आपको सारा एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि अगर खुद आपको ऑनलाइन होना है यहाँ पे अर्निंग करने के लिए तो वो आपको कैसे करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी हमने अर्निंग करनी है उसको कैश आउट कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करें सेंटर पे, उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो आपने लगाया, कोई टाइटल आपको लिखना है तो आप लिख दें। टाइटल लिखने के बाद ये देखिए पब्लिक या प्रीमियम कैसे आपको ऑनलाइन करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप कुछ चाहें तो ये देखिए जो फ़िल्टर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के साथ। फ़िलहाल हम उसको फ़िल्टर को हटाते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमने जो टाइटल दिया था उसको रहने देते हैं और फिर ये पब्लिक में हम ऑनलाइन होते हैं। तो ये देखिए कि यू आर लाइव नाउ करके और यहाँ पे लाइव हो जाते हैं हम। यहाँ से हम कैमरा को मूव कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, जिधर भी हम चाहें इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हमारे जो डायमंड्स वगैरह हैं वो अभी मतलब कि कुछ भी नहीं है हमारा, तो बस ये जीरो दिखा रहा है। यहाँ से हम अकाउंट को प्रीमियम भी कर सकते हैं, ये एक बार सिर्फ क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए कि नीचे जो भी हमें मैसेज वगैरह आएंगे वो सभी यहाँ पे दिखा देगा, और जो बंदे हमारे प्रोफाइल से जुड़ेंगे उनका यहाँ पे हमें नंबर दिखाता जाएगा कि कितने बंदे जुड़े हैं। इसके अलावा अगर कोई फ़िल्टर वगैरह आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये देखिए अपने प्रोफाइल को जो भी ब्यूटी वाला काम करना है आप कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर लें अपने प्रोफाइल को और यहाँ से फिर आप कोई भी इस तरीके का इमोजी वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये है कम्प्लीट प्रोसेस इस चीज़ का। आपको अब जैसे ये चीज़ हम बंद करते हैं, ठीक है दोस्त। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई कुछ भी हमें इनकम नहीं हुआ, लेकिन वो जो भी हमारी इनकम होगी वो यहाँ पे दिखा देगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर जो हमारी इनकम होती है उसको हमें कैश आउट कैसे करना है। तो कैश आउट करने के लिए ये देखिए आपको अपने प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे देखिए एक रिफिल का नंबर ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको रिडीम पे क्लिक करना है। रिडीम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ गए इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि यू मस्ट कनेक्ट टू पेयोनियर अकाउंट टू कैश आउट। मतलब कि अगर आप कैश आउट करना चाहते हैं तो इसका ये पेयोनियर का अकाउंट आपका होना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ नोट पेयोनियर अकाउंट एक्टिवेशन मे टेक सम टाइम, मतलब कि ये भी आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट विद क्वेश्चन, अगर आपको मतलब इसमें कोई डाउट रहता है कुछ समझ में नहीं आता तो आप उनको जो इनका कस्टमर केयर सपोर्ट है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए कैश आउट का यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश आउट योर डायमंड्स, मतलब कि जितने भी आपके पास रहेंगे उसको आप कैश आउट कर सकते हैं। और ये देखिए कैश आउट पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये सभी डिटेल लेगा, जो भी अकाउंट का पेयोनियर अकाउंट का जो डिटेल है ये देखिए आपको सारा ये डिटेल भरना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ऐसे जाने के बाद आपके सारे पैसे ये मतलब कि आपके अकाउंट में आ जाएंगे पेयोनियर अकाउंट में। तो ये है दोस्त सारा प्रोसेस यहाँ पे इस एप्लीकेशन को कैसे हमें यहाँ पे आईडी बनाना है कैसे यूज़ करना है लगभग आपके समझ में आ गया, ठीक है दोस्त। अब अगर जो इनकम वगैरह होती है वो कितनी हो सकती है यहाँ पे कैसे होती है वो अगर आप देखना चाहते हैं ना तो ये देखिए इनके पास कितने कितने डायमंड्स कलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, जो भी प्रोफाइल कर रहे हैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए 29 लोग इनको देख रहे हैं और कितने सारे यहाँ पे डायमंड्स इनके पास कलेक्ट हैं। वो जब चाहें उसको कैश आउट कर सकते हैं और कैश आउट करेंगे तो कितना पैसा बन जाएगा ये आप देख लो। तो अगर आप जैसे कि मतलब मोस्टली ये जो हाउसवाइफ होती हैं उनके लिए या फिर जो लड़कियां हैं अगर वो इस तरीके का एप्लीकेशन को यूज़ करती हैं या फिर कोई उनमें एक्टिविटी है ऐसा दिखाने वाला कोई भी मतलब टैलेंट है जैसे डांसिंग या सिंगिंग, मतलब ऐसा कुछ परफॉर्मेंस कर सकती हैं जो लाइव बैठ के वो बातें करें या फिर लोगों का इंटरटेन करें जिससे यहाँ पर अच्छे पैसे हो जाएँ, तो वो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं।
तो दोस्त इस एप्लीकेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो या फिर जिस पे आप वीडियो चाहते हैं दोबारा, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए ला दूँगा ऐसे ही सारा कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछें। मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। गुड बाय।